कोरोना काल में जहां स्वयं सेवी संस्थाएं लोगों की मदद के लिए बढ़ चढ़कर आगे आ रही है, वहीं शिमला शहर के वार्ड नंबर 15 के पार्षद भी अलग अलग तरीके से अपने शहर तथा वार्ड के लोगों की मदद के लिए तत्परता से कार्य करते रहते हैं। बीते कुछ दिन पहले भी उन्होंने वार्ड के गली मोहल्लों को भी सैनिटाइज किया था तथा जब प्रदेश में कोरोना की पहली लहर प्रबल थी उस समय भी उन्होंने कोरोना योद्धाओं को सम्मानित करते हुए पीपीई किट, मास्क एवं सैनिटाइजर का वितरण भी किया था। यही नहीं, इंद्रजीत ने कोरोना लॉकडाउन के चलते प्रवासी मजदूरों को भोजन सामग्री घर घर जाकर वितरित की तथा बाहरी राज्यों में फंसे लोगों को भी घर वापसी के लिए अपार सहयोग दिया। अब जबकि देश व प्रदेश में कोरोना वायरस की दूसरी लहर काफी प्रबल है, तब भी इंद्रजीत सिंह दूसरे लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत बनते हुए आज उन्होंने अपने वार्ड नंबर 15 में आज से बांटने का कार्य शुरू किया, जिसके चलते वो इस मुहिम के तहत 600 परिवारों को स्टीमर देने का फैसला लिया गया है। प्रदेश में कोरोना संक्रमण व इससे मरने वालों का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है। ऐसे में प्रदेश में ब्लैक फंगस का मामला आने से चिंताएं और बढ़ गई है। हमीरपुर की कोरोना संक्रमित महिला को नेर चौक से शिमला रेफर किया गया है, जिसमें ब्लैक फंगस पाया गया है। मुख्यमंत्री ने इस पर कहा कि ये चिंता का विषय है, लेकिन हर संभव इलाज को किया जाएगा। कोविड पर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने बताया कि वह स्वयं जिला भर में कोविड-19 की स्थिति का जायजा ले रहे हैं। उन्होंने बताया कि प्रदेश में जितने लोग संक्रमित हो रहे हैं उतने ठीक भी हो रहे हैं। मौत का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है, जिसको लेकर प्रदेश में बेड कैपेसिटी बढ़ाई गई है। ICU ऑक्सीजन युक्त बेड्स की भी केंद्र से मांग की गई है। प्रदेश को मिलने वाली ऑक्सीजन कोटे को 15 मैट्रिक टन से 40 मैट्रिक टन किया गया है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने वर्चुअल माध्यम से कॉन्फ्रेंस कर हिमाचल प्रदेश में कोरोना संकट काल के चलते प्रदेश में सभी परिस्थितियों का फीडबैक लिया। उन्होंने हिमाचल प्रदेश में चल रहे सेवाही संगठन भाग 2 के बारे में भी विस्तृत चर्चा की। सीटू राज्य कमेटी की ऑनलाइन बैठक संपन्न हुई, जिसमें केंद्र व प्रदेश सरकार द्वारा कोविड-19 महामारी में आम जनता को मेडिकल व अन्य सुविधाएं उपलब्ध करवाने में नाकामी तथा इस दौरान सरकार की मजदूर कर्मचारी व कोविड योद्धा विरोधी नीतियों का कड़ा विरोध किया गया। कोरोना कर्फ्यू के चलते आम लोगों के साथ ही बेजुबान जानवरों पर भी आफत टूटी है। शहर के आवारा कुत्तों और बंदरों की सुध लेने वाला कोई नहीं है। ऐसे में शहर के 2 युवाओं ने इन बेजुबानों को खाना खिलाने का बीड़ा उठाया है। विकास गौतम और सुक्रीत सूद सुबह इन जानवरों के लिए रोटी बनाने में जुट जाते हैं और 250 के करीब रोटी बनाने के बाद दोपहर को शहर के अलग अलग हिस्सों में जाकर बंदरों और कुत्तों को खाना देने के काम को अंजाम दे रहे हैं। शहर के करीब 200 ज्यादा आवारा कुत्ते और काफी तादाद में बंदर भी नजर आते हैं। विकास गौतम और सुक्रीत सुबह इन जानवरों के लिए रोटी बनाने में जुट जाते हैं और इस कर्फ्यू में ये बेजुबान भूखे ना रहे, इसके लिए इन 2 युवाओं ने इन्हें रोटी खिलाने का जिम्मा उठाया है। इन युवाओं ने आम लोगों से भी संकट काल में बेजुबानों को खाना खिलाने की अपील की। भाजपा प्रदेश मुख्य प्रवक्ता रणधीर शर्मा ने कहा कि किसानों को DAP 500 रुपए प्रति बोरी से बढ़कर अब 1200 रुपए प्रति बोरी की सब्सिडी मिलेगी। ये किसानों के हित में मोदी सरकार का बड़ा निर्णय है। उन्होंने कहा कि किसानों को DAP का एक बैग 2400 रुपए के बजाय अब 1200 रुपए में मिलेगा। राजधानी शिमला में कोरोना संक्रमण से जूझ रहे होम आइसोलेशन के मरीजों की मदद के लिए सिंह सभा अब आगे आई है। होम आइसोलेशन में रह रहे मरीजों को ऑक्सीजन की कमी ना हो, उसके लिए अब कंसंट्रेटर मशीनें भी घर के लिए दी जाएगी। बता दें कि कोरोना काल में जहां सिंह सभा अपनी हर भागीदारी दे रही है, अब ऑक्सीजन की कमी को दूर करने के लिए भी पहल की है। कंसंट्रेटर मशीनें जहां मरीजों को घर में ऑक्सीजन के लिए दी जाएगी, वहीं साथ ही ऑक्सीजन चेक करने के लिए भी ऑक्सीमीटर भी दिए जाएंगे। सिंह सभा के अध्यक्ष जसविंदर सिंह ने जानकारी देते हुए कहा कि सिंह सभा को खालसा एड के द्वारा 10 कंसंट्रेटर मशीनें सेवा के लिए दी गई है
और ये सेवा लोगों के लिए निःशुल्क सेवा होगी। लेकिन होम आइसोलेशन में रह रहे लोगों को कंसंट्रेटर मशीनें 3 से 4 दिनों के लिए निःशुल्क दी जाएगी। बीती यादों से नाता सहेजना सीखा, हाथ थाम कर जिनके चलना सीखा, गिरने लगती जब तो उनसे संभलना सीखा। उनकी डांट से खुद को तराशना सीखा, घर से दूर होकर भी दिल को हमेशा यह एहसास रहता है उनका प्यार और फिक्र हमेशा मेरे साथ रहता है। भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए।